एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको हैंड फ्री के 3 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आगे से आने वाले अच्छे टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो शुरू कर लेते हैं हम अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास ट्रिक है वो है कि आप अपनी हैंड फ्री को अपने मोबाइल के साथ अटैच करके इसे एक सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपका हाथ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, तो आप इसे खड़ा करके अपनी हैंड फ्री के साथ कनेक्ट करके एक सेल्फी स्टिक की तरह इसे ऑपरेट करवा सकते हैं, जिस तरह मैं आपको अब करके दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, देखिए मेरा मोबाइल ऑन हो गया है। अब मैं इसके साथ अपनी हैंड फ्री को कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करके मैं अपने मोबाइल का कैमरा खोलूँगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने मोबाइल का कैमरा खोल लिया है। अब मैं इसकी बैक साइड आपको दिखा देता हूं, और यहां से मैं इसे बटन को दबाऊंगा तो मेरा मोबाइल एक सेल्फ़ी ले लेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं बटन दबाता हूं तो मेरा मोबाइल सेल्फ़ी ले लेता है। इस तरह आप, अगर आपका हाथ काफ़ी दूर भी है तो आप अपने मोबाइल से सेल्फ़ी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली ट्रिक्स। अगर आपको पहली ट्रिक्स पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्या आप ही अपनी हैंड फ्रीयों को इस तरह रखते हैं? अगर आप अपनी हैंड फ्रीयों को इस तरह रखते हैं तो जब आप दूसरी बार इसे लेने जाते हैं तो आपको इसे खोलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह से मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आपने किस तरह से इसे फोल्ड करना है, ताकि बाद में आप आसानी से ले सकें। फ्रेंड्स, आपने अपनी दो उंगलियों को इस तरह खोल के एक को इस तरह कर लेना है और इस तरह से अपनी इसको बांधना है हैंड फ्री को। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मैं बांध रहा हूँ। इस तरह से बांधने के बाद जब आप अपनी हैंड फ्री को दोबारा उठाएंगे तो आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने अपनी हैंड फ्री को बांध लेना है और किसी भी कोने में रख सकते हैं। दोबारा जब भी आपने इसे खोलना हो तो आप इस तरह से पेटा देकर खोल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आसानी से खुल गई। फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्रिक 2। अब चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरी ट्रिक मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इसमें होता क्या है। फ्रेंड्स, जब आपके मोबाइल पर किसी की कॉल होती है तो अगर आपका मोबाइल हैंड फ्री से कनेक्ट होता है और आपके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है तो आप इस बटन के ज़रिए भी अपनी कॉल को अटेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मोबाइल ऑन है और आपको कॉल अब यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल से, आपने जस्ट अपने हैंड फ्री में मौजूद बटन को क्लिक करना होता है और आपकी कॉल आंसर हो जाती है और आप किसी भी तरह उससे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे से आने वाले अच्छे टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।